मैं पूनी मार रहा हूँ, उधर से आवाज आ रही है वो एस्केलेटर, ये तो फिर आई। शरीफ है भाई। तो डस्टबिन कुछ ऐसा अपना भरा रहता है हमेशा, ठीक है। लड़के बहुत गंद मचाते हैं। ये हड्डी बाहर कहाँ से आ गई, ये दिखानी चाहिए कि व्लॉग में, मेरे को पता नहीं, पर वेजिटेरियन लोगों फंड मत होना, पर यही है, मुर्गे खाओगे तो ऐसे ही मजा आते हैं। मजे क्या आते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर तुषार वर्जा। अभी एनर्जेटिक लग रहा हूँ पर नींद भी थोड़ी थोड़ी है। अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी क्योंकि आज मेरा पहला दिन है कैंपस में आफ्टर COVID-19। तो हाँ, ये चिड़िया फिर नहीं मानेगी। तो अभी बिल्कुल कड़क धूप हो रही है और लोग मेरे को बोलते हैं अंकल खड़े हैं। तो भैया भी बिल्कुल कड़क धूप हो रही है, ठीक है, और मेरे को लोग बोलते हैं कि भाई तेरी आंखें, वो खुल गई आंखें, कि तू अपनी आंखें क्यों बंद कर लेता धूप के अंदर। तो भाई चश्मे लगा ले कर, सनग्लासेस लगा ले, कुछ लगा ले, पर ऐसे आंखें ना मारा कर हमको। तो भाई क्या होता है कि मेरे को कोई सनग्लासेस लेने हैं, ठीक है, मिले नहीं है काफी दिनों से, ढूंढने हैं मेरे को, अच्छे से लेना लूंगा। मैं सोचा था पैसे इकट्ठे करके बढ़िया से लूंगा, पर कोई नहीं, 100-200 रुपए के भी मिल जाए तो, $4-5 के भी मिल जाए तो बहुत है। और ऐसी रहती है भाई मेरी आंखें शुरू से ही, मतलब एक आंख तो मेरी बंद रहेगी धूप में, बुरा मत माना करो। आजकल सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं तो लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, इतने ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो अपन खुला कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता था, अब थोड़ा सोचते हैं पहले। पर खैर, मैं जैसा हूँ मैं वैसे दिखाता हूँ, जो मेरी स्टूपिडिटी होती है, जो मेरी गलतियाँ होती हैं, वो सब आप देख लेते हो। और गर्मी लग रही है और कड़क, मैं तो फुल मोटा स्वेटर पहन के निकल लिया हाईने का आज, और बहुत गर्मी लग रही है यार। और हाँ, इनर की अपडेट नहीं पहना आज, चुभन बहुत हो रही है गर्मी में। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब बहुत भयंकर गर्मी होती है तो चुभन होती है, कुछ ना स्वेटर वगैरह पहन ले तो, सर्दियों में होता है ऐसे ज्यादातर, गर्मियों में नहीं होता, पर बहुत गंदा लग रहा है मेरे को तो। भाई गाड़ी का बड़ा मन कर रहा है, पर मैं ऐसी कोई गाड़ी ले लूंगा छोटी सी, क्योंकि पैसे मेरे पास इकट्ठे हो नहीं रहे। ये दोनों बहनें पिछले मैंने इंस्टाग्राम पे भी दिखाई थी, ये फिर यहीं घूम रही है, वॉक पे आई है, देखो मस्त है, हाँ कर रही है, देखो है ना, वॉक पे आई है ना तू, नहीं दे रोंट केयर, क्यूट बहुत है। पैरट से पता नहीं कौन सी ब्रीड है, इतनी मेरे को नॉलेज नहीं है, बस और कुछ नहीं। जैसे अब वो देखो, वो बिल्ली बैठी उधर दिख रही है, वो बिल्कुल असली लग रही है, फिर से देखो ध्यान से वो रही। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग उबर कर रहे होते हैं ना, तो कोई कोई घर के आगे अपने मतलब डेकोरेशन के लिए ऐसी चीज रख देते हैं जो असली जैसे दिखती है, और फिर अपन लड़कों की फटती है थोड़ी सी, उसमें बिल्ली आ जाए, धुआं क्यों छोड़ रही है भाई गाड़ी, उसमें बिल्ली आती है, उसमें डॉगी वगैरह रख देते हैं, कोई कुछ भी रखते हैं यार, पर डर लगता है कभी कभी, मतलब होता नकली है वो, ठीक है, पर शुरू शुरू में रियलाइज नहीं होता, अगर आप शाम के टाइम कर रहे हो डर लगता है भाई। ये यहाँ की खड़ी है क्रेन, अच्छा गड्ढे वड्ढे खोद रहे हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं देखो सारे भाई उधर, वो देखो बहुत तगड़ी पे होती है इन लोगों की गर्मी यार, चुभन ही चुभन हो रही है, कहीं ठंड सी लगे मजा आए। तो ऐसा क्या है कि 1-2 जो प्लेटफॉर्म है और 5-6 है, 5-6 ना बहुत नीचे जाके बिल्कुल गहराई में, मतलब एक लेवल नीचे, अरे खुल तो जा, प्लेटफॉर्म 1 और 2 यहाँ है, कॉनकोर्स इसको बोलते हैं जहाँ से हम चढ़ते हैं, और ये प्लेटफॉर्म 5 और 6 यहाँ है, ठीक है। तो मेरे को जाना है 5 और 6 पे, क्योंकि मेट्रो जाएगी मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का स्टेशन है, ठीक है। और क्या कह रहा था, क्या कह रहा था यार, हाँ तो काफी ज्यादा चलना पड़ता है स्टेशन से मेट्रो तक जाने में, तो आई यूजुअली प्रेफर टेकिंग लिफ्ट। बहुत नीचे देखो, चली जा रही है नीचे, दिख तो रही नहीं अंधेरे में, अब पहुंचे हैं, अच्छा इस तरफ है दरवाजा। काफी टाइम बाद यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है। With the shits, lame ass niggas always gonna be reaching for they hit. Smoke a nigga like a clip. They can never catch me slipping every time your girl around. She be watch the way I'm dripping, dripping. तो इस स्टेशन का भी यही हाल है, पहले एस्केलेटर ऊपर जाएंगी, इससे 3 times और ऊपर जाना है तो मैं लिफ्ट लूंगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा, नहीं देखो पूरी एस्केलेटर्स ऊपर जा रही हैं, ठीक है, और ये और ऊपर जा रही हैं, मतलब ऐसी और ऊपर जा रही हैं। मैं तो भाई, अरे भाई मेरे आगे से लिफ्ट निकल गई यार, दबाया भी मैंने उसको, अब लेट आएगी तो यहीं से चल। Flex mode with the best though. That's a magic key. That's a chess move. I'm your favorite. यूनि में बच्चे तो हैं पर कम है, क्योंकि मेरे जैसे 4 subjects हैं, उनमें से 2 online है और 2 offline है, तो जो 2 offline है मैंने वेंसडे को ही ले ली, तो वेंसडे को 3 से 5 और 5 से 8 क्लासेस है, और बाकी दिन 2 दिन 1-1 क्लास है, तो ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं।
इट्स गुड टू बी बैक ऑन कैंपस, क्योंकि घर पड़े पड़े ऑनलाइन में एक तो कुछ समझ नहीं आता। वो यहीं जाना शायद मेरे को 17 वोलीज वॉक, इधर है मेरी क्लास, ढूंढता हूँ। चलो तो बैठे हैं, पर मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को किधर जाना है। पता है पर क्लास नहीं मिल रही, इतना में ढम नहीं हूँ भाई। क्लास 3 बजे थी, 3:22 हो गया और टीचर ही नहीं आया। ये 209 ऐसा 40 से लिखा हुआ है, 209 यहाँ अपनी क्लास है, आया ही नहीं भाई टीचर, अपन वेट कर रहे हैं। भैया भी क्लास की वेट कर रहे हैं, क्लास नहीं हुई। ये भाई भी मुंबई से हैं, कैसे हो भाई? अच्छा हो गया। हाउ वाज योर फर्स्ट सेमेस्टर? ऑनलाइन तो सब बकवास। और ये भाई भिवानी से हैं, ये थोड़ा शांत शांत से हैं, इन्होंने थोड़ी सी वीडियोस देखी हैं। कैसा है भाई, कैसा लगा सेमेस्टर? तो करीबन आधे घंटे से वेट कर रहे हैं और ना टीचर है। हमने मेल भी कर लिया और ना टीचर का नंबर दिया होता है, ठीक है। तो हम टीचर को ये बोल रही हैं, भाई बाहर खड़े हैं, आ जाओ आ जाओ। डीट है वो भी नहीं आता, हम भी डीट हैं, हम भी बैठे हैं। भाई बोर हो गए यार, सच्ची में इतनी बोरिंग क्लास, पर थोड़ा थोड़ा समझ आया जाए ना, हम रेगुलर अटेंड करेंगे। थोड़ा एंड में एक आध बच्चा था भाई, उसने सारे आंसर देने लग गई, हमारे तो भाई वहीं फिसड्डी होगी। पहले मुझे लग रहा था मेरे को आ रहा है, पर जैसे उसने क्वेश्चंस पूछे ना, एक और लड़की दूर बैठी थी वो आंसर करी जा रही, फिर सब नूब है हम भूले। यार क्लास तो खत्म हो गई, पर मेरे को सुसु आ रहा है भयंकर, और 8:30 हो गए, ठंड भी इतनी लग रही है भाई, और इनर भी नहीं पहना। देखा दिन में बिल्कुल गर्मी चुपती है, इतनी सड़ी गर्मी होती है, चुपती जलती गर्मी, तो इतनी गर्मी लगती है, और अभी शाम को इतनी ठंड, करीब 10 डिग्री टेम्परेचर, हालत ख़राब हो रही है भाई। 10 भी नहीं है शायद, पता नहीं कितना है, छोड़ो, पर ठंड है ये मान लो। कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है लिटरली। और क्या होता है कि इन एवरी यूनिवर्सिटी ओवर हेयर यू गेट टू चूज योर क्लासेस। अपने इंडिया के जैसा नहीं कि ये टाइम टेबल आया तो भाई इसी टाइम पे आना है, नहीं, यहाँ पे तुमको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि इस पूरे वीक में ये 5 दिन ऐसी ऐसी क्लासेस हैं, मतलब 5 दिन एक जैसे भी सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से। तो मैंने क्लासेस ली शाम की, क्योंकि सुबह मेरे से कोई क्लास होती नहीं, क्योंकि भयंकर नींद आ रही होती है। तो मैंने आज क्लास ली हुई है 3 से 8, जैसे मैंने बताया, उसमें 3 से 5 एक है, नहीं 3 से 6 एक है, और 6 से 8 एक है, और एक मेरी है ट्यूसडे को। और इधर भी क्लास चल रही है, नहीं बस ये ऑन कर रखे, और पता नहीं पढ़ कौन रहा है इधर, कोई भूत बैठेंगे, भूतों की क्लास चल रही है, बस वो स्क्रीन ऑन करी हुई, कोई बैठा ही नहीं। एक्स्ट्रा बिजली है भाई यूनि में, ये देखो बस एक्स्ट्रा बिजली है, रात को भी चला के थे, किसी को बाहर खड़े होकर पढ़ना हो तो पढ़ सकते। कोई भी नहीं आ रहा, सिर्फ अकेला मैं हूँ। गुड़गांव की गलियों से कहाँ मकवेरी की गलियों में आ गया, एक बंदा नहीं है भाई, देखो एक बंदा नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा लिटरली। पता नहीं अभी 30 बच्चे बैठे थे, गए कहाँ, और कौन सा रास्ता है जाने का जो मेरे को नहीं पता। मैं तो भाई चलो आ गया स्टेशन, हो गई ज्यादा बकवास। लाइटें ऑन है भाई फुल, अंदर पैसा ही, बच्चों से इतने पैसे आ रहे हैं, जहाँ खा रहे हैं यहीं तो जा रहे हैं, फीसों में जा रहे हैं, लोगों की सैलरीज में जा रहे हैं, और भी वो तो कुछ कह नहीं सकते कहाँ जा रहे हैं। इतना बड़ा कॉन्टेंट मैं हूँ नहीं जो एक्सेस कर, छोड़ो भाई क्या बोल रहा हूँ। और भाई काफ़ी लोग बोल रहे हैं वो थोड़े गोरे दोस्त बना भाई व्लॉग्स में दिखा। तो भाई सीन क्या है कि जब से कोरोना हुआ था ना, उसके बाद से यूनि हुई नहीं, मतलब हुई थी यूनि 3 हफ्ते के लिए करीबन, उसमें से भी मैं 4-5 बार ही गया था, क्योंकि 4-5 बार क्लास थी, ज़्यादा मैं समझना कि भाई लफंडर है। क्लासेस के बाद रुक एक मिनट लाइट के नीचे आता हूँ। हाँ तो 3 ही हफ्ते क्लास हुई, उसके बाद अभी 4 महीने बाद 5 महीने बाद यूनिवर्सिटी खुली है, और अब पहली क्लास हुई है। तो धीरे धीरे जैसे दोस्त बनेंगे वैसे वैसे आपको दिखाएंगे, और हाँ गोरे दोस्त भी बनाएंगे, गोरी दोस्त भी बनाएंगे। और भाई हम यहाँ पे आके स्टारबक्स वगैरह कुछ नहीं पीते, ठीक है ना, यहाँ पे कैफे कॉफी डे होता है, यहाँ होता है इजी मार्ट, $1 की कॉफी आती है मस्त, सबसे सस्ती चीज वही है, तो वही पियेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कॉफ़ी होती है ना, जैसे ये है, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सेट होता है ऑस्ट्रेलिया में कि कॉफ़ी का जो दूध होगा इट शुड बी अराउंड 80 डिग्रीज, ठीक है, इंडिया की तरह नहीं कि इतना उबला हुआ हो जीभ जल जाए पीते। यहाँ पे अपन इंडियंस को कॉफ़ी ठंडी लगती है, क्योंकि ज़्यादा गर्म ये लोग करते नहीं, और ज़्यादा गर्म लोग पीते नहीं, और स्टैंडर्ड्स होते हैं उस हिसाब से इनका काम चलता है, ठीक है, करीबन 80% होती है, डोंट कोट मी ऑन दिस, पर 100 डिग्रीज तक ये लोग नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि जीभ जल जाती है। तो गर्म होती है, इतनी गर्म नहीं होती जितनी अपने इंडिया में होती, जीभ जलता है, पर भाई वैसे सॉर्टेड है, मैं जल्दी से पी सकता हूँ उसको एक घुट में, पर आराम आराम से पिएगा ना स्वाद लेके, पैसे भी खर्च किए। करीबन 3 मिनट में आएगी ट्रेन, और मेरे को लास्ट वीडियो में काफ़ी लोग बोल रहे थे, नहीं चलो घर जाके बात करता हूँ इस बारे में। तो जनरली अगर आप एक स्टेशन ट्रैवल करते हो पीक टाइम में तो करीबन लगते हैं $3 या $3.5, और अगर आप नॉन पीक टाइम में ऑर्डर करो, नॉन पीक टाइम में जाओगे तो लगेंगे करीबन $1.5 या फिर उससे कम, या फिर कैसे भी। और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अगर आपको संडे को घूमना है, ठीक है, पूरे दिन,
तो पूरे दिन लगेंगे $2.50। कहीं भी बसेस में जाओ, ट्रेन में जाओ, वॉर्फ में जाओ, वॉर्फ होती है वो फेरी, ठीक है, जो पानी में मतलब क्या जो बोट होती है वो उसमें जाओ, या फिर आप जाओ लाइट रेल में, सब में टोटल लगेंगे पूरे दिन के $2.50। कितना घूमो, कितनी ऐश करो, $2.50 से ऊपर नहीं लगेगा। मैं कुछ देख रहा हूँ, सब्जी उठाता हूँ क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं और ऑलरेडी 9 बज गए हैं और भूख यहाँ तक लगी है, यहाँ तक। कहीं से कुछ डिनर का इंतजाम करते हैं, कोई इंडियन रेस्टोरेंट खुला हो तो मस्त। चिकन टिक्का खाने का मन कर रहा है, चिकन टिक्का मसाला, पता नहीं क्यों। तो अपन ने ऑर्डर किया चिकन टिक्का बटर मसाला, ठीक है, और पीछे इंडियन अंधेरा रहा है, और पीछे इंडियन ग्रोसरी से मैं उठाऊंगा फ्रोजन रोटी, जिसको हम बनाएंगे क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं कुछ बनाने का, मैं बस फैल के सो जाना है क्योंकि भयंकर नींद आ रही है। यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी है एक, वहाँ से फ्रोजन एक काठमांडू की, काठमांडू नहीं कटुम्बा की रोटी आती है, कटुम्बा की कंपनी है, ठीक है, एक जगह भी है जहाँ पे मैं गया था पीछे, कटुम्बा से उठाऊंगा मैं रोटियाँ, नहीं कटुम्बा की मैं उठाऊंगा रोटियाँ, और वो बढ़िया होती है यार खाने में, सही टेस्ट आता है उसका, घर वाली, घर की मतलब बात किसी चीज़ में आ ही नहीं सकती, पर वो इनसे रोटी लेने से सस्ता पड़ता है क्योंकि वो $10 में करीबन 30 रोटियाँ आ जाती हैं और यहाँ $10 में 4 आएंगी। ये बंद है यार, बंद हो गया। एक और ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से उठाता हूँ फ्रोजन रोटियाँ, क्या स्ट्रगल है भाई। ग्रोसरी स्टोर जो दूसरा है वो करीबन आधा किलोमीटर दूर है, और वहाँ उधर एक स्टोर है, वहाँ से नहीं दिख रहा कैमरे में, तो वहाँ से मैंने ऑर्डर दिया हुआ है खाने का, आधा किलोमीटर दूर जा रहा हूँ रोटी लेने के लिए, मिल गई ठीक है, स्टोर बंद हो गया तो भी ठीक है, ब्रेड के साथ खा लें। नहीं नहीं इतना भी नहीं भाई, लोग कहेंगे $15 खर्च के सब्जी पे, रोटी ले सकता दो वहीं से ले लेंगे, पर पैसे बचेंगे अगर मेरे को 30 रोटियाँ मिल गई $10 में, चल जाएगी करीबन 15, सांस चढ़ गया। अब होपफुली बंद ना हो वो स्टोर, मेरे लग जाएंगे नहीं तो $5 के करीबन। वहाँ पे है इंडियन ग्रोसरी, ये रेस्टोरेंट तो पता नहीं चलता है कि नहीं, कोई बैठता ही नहीं इधर पूरे दिन, खाली अकेला वही होता है वेटर और जो ओनर है बस, कोई होता ही नहीं पूरे रेस्टोरेंट में, इनके भी अलग स्ट्रगल है। सन्नाटा सा हो जाता है सिडनी में 8 बजे करीब ना, क्योंकि 5-6 बजे सब बंद हो जाता है, रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं एक दो, बाकी इतना सन्नाटा हो जाता है आपको बंदा नहीं दिखेगा 9 बजे। इंडिया में तो 9 बजे वॉक करने का टाइम है भाई, उसके बाद डिनर होता है, फिर से वॉक होती है, या फिर उसके बीच में बैडमिंटन होता है, बाद में बैडमिंटन। बस तुषार भाई बस हो गया रेडी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, गुजार चलेगी बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू बॉय फ्रॉम इंडिया, नहीं लव फ्रॉम सिडनी बॉय फ्रॉम इंडिया। काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई मैं कितनी एक्टिंग करता हूँ, मैं ना कसम से एक व्लॉग ज़रूर ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है, कोई बकवास नहीं, कोई सीधा बिल्कुल नॉर्मल होकर व्लॉग करेंगे कि हेलो भाई लोग क्या हाल है आज की हम वीडियो। We'll be right back.